कैस्पियन सी के बहुत ही करीब है और बाकू में है ये, और इसका यही कारण है कि इस जगह पे बहुत गैस है, तो ये गैस की वजह से। तो हमारा बस आ चुका है फाइनली 217, स्टैंडिंग वी डिडंट गेट द प्लेस टू सीट अनफॉर्चुनेटली। तो गया मेरा कॉइन, ऐसा लग रहा है कि उड़ जाऊंगा मैं अभी यहाँ से। ओह माय गॉड, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ अभी बाकू में और आज का दिन काफ़ी सुंदर है, और दो दिन से बारिश हो रहा था, दो दिन के बाद आज इतना सुंदर वेदर है और एक भी बादल नहीं है और काफ़ी सुंदर लग रहा है। आज धूप खिला हुआ है तो मैंने सोचा कि इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं और बाहर जाते हैं। तो मैं और सदफ प्लान कर रहे हैं यान दाग बोल के एक जगह है यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर दूर, जो बहुत ही खूबसूरत है और नेचुरल फायर प्लेस है, जो ज़मीन से आग निकलती है गैस के वजह से। तो हम लोग वहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हैं। तो अभी बज रहा है दोपहर का 12 और यहाँ से हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे, तो हम लोग फटाफट रेडी हो रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मैं यहीं पर रह रहा हूँ और आई थिंक ये मेरा काउच सर्फिंग हिस्ट्री का सबसे लंबा स्टे रहेगा किसी के घर पर, और थैंक्स टू जलील जो मेरा होस्ट है यहाँ पे, एंड उसके वजह से मैं यहाँ पे रह पा रहा था। तबीयत भी ख़राब था तो मैंने सोचा कि रेस्ट ले लूँ, और पिछले कुछ टाइम से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो कल का दिन काफ़ी अच्छा था, कल हम लोगों ने कल इनफैक्ट सदफ ने काफ़ी अच्छा टुर्किश खाना बनाया था, नाम मैं भूल गया, मैं पूछ के बताऊँगा। टुर्किश खाना बनाया था, काफ़ी मज़ा आया खा के। फिर हम लोगों ने वाइन पिया था, और यहाँ पर वाइन का जो पैकेट था वो देख के मैं मतलब हैरान हो गया, क्योंकि वाइन एक टैप वाले पैकेट में था और उसको टैप खोल के फिर उसमें वाइन ग्लास में डाल सकते थे, तो कुछ इस तरह का वाइन का पैकेट था, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। आज काफ़ी ज़्यादा विंडी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना हवा चल रहा है ना, हालांकि धूप निकला हुआ है, ठंड है, 16 डिग्री का टेम्परेचर है अभी, और मतलब हवा बहुत है पर मौसम भी बहुत सुंदर है, एकदम नीला आसमान है आप देख सकते। तो यहाँ से हम लोगों को मेट्रो स्टेशन जाना है पहले, उसके वहाँ से मेट्रो लेना है कोरोगुलू तक, फिर वहाँ से बस लेना है। तो टोटल 28 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है यानादाग जो माउंटेन है, फायर माउंटेन है। देयर थैंक्स फॉर द डिनर यू कुक्ड, टर्किश डिनर, सो यू कैन खुरु फसलिया, सो खुरु फसलिया हम लोगों ने खाया था डिनर। तो अजरबैजानी खाना हो गया है जो जलील ने बनाया था, सदफ ने भी टर्किश खाना बना दिया, अब मेरा टर्न आने वाला है इंडियन खाना बनाने का, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज या तो कल इंडियन खाना बनाऊँगा यहाँ पे इन लोगों को खिलाऊँगा। तो हम लोग अभी कोरोगुलू मेट्रो स्टेशन से जस्ट बाहर निकले ही हैं, और यहाँ पे एक बस स्टेशन है, अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बस लेके जाएं। यहाँ से 62 नंबर बस दिखा रहा है आज गूगल मैप में, पहला बस मिल चुका है और अभी हम लोग बस में हैं, तो हमें शायद दो स्टॉप के बाद रुकना पड़ेगा और उसके बाद फिर एक और बस चेंज करना है 217 जाने के लिए। तो अभी हम लोग 62 नंबर बस में हैं, सो कोगालू से हम लोग मेट्रो स्टेशन से उतरे और वहाँ से ये वाला बस मिला। अब यहाँ से 217 नंबर बस लेके जाता है, 0.30 लाइक हाफ ऑफ वन मंथ, तो 20 से 25 रुपये लगा है अभी ये बस में जो हम लोग आए, और जो मेट्रो में आए वहाँ पे 30 रुपये लगा है, तो 50 रुपये में हम लोग अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं। और यहाँ पे फैंसी बस भी है, तो वो फैंसी बस तो यहाँ पे हम लोग को नहीं दिख रहा है, वो जो AC वॉल्वो है, यहाँ पे इस तरह का पुराने बसेस है यहाँ पे। तो हमारा बस आ चुका है फाइनली 217, यहाँ पे स्वाइप करना पड़ता है। तो मुझे लगा था कि बस आधे घंटे के बाद आएगी, पर बस अभी आ गई, और अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से 1 घंटा लगता है बस में, तो अभी तक तो हमें सीट मिला नहीं है, और देखते हैं अगर सीट मिल गया तो बैठ कर जाएंगे, नहीं तो खड़ा होकर जाना पड़ेगा 1 घंटा।
standing, we didn't get the place to sit, unfortunately. Yeah. थैंक यू साउल साउल तो यहाँ पे थैंक यू को साउल बोलते हैं तो मैंने साउल बोला है आई फील गुड यू नो विद द टी शर्ट नाउ नॉट फीलिंग कोल्ड फॉर अ चेंज आई हैव अ न्यूज वी हैव टू टेक वन बस मोर तो टोटल फोर ट्रांसपोर्ट चेंज है आई मीन ट्रांसपोर्टेशन चेंज मतलब ये तीसरा बस है हम लोग लेंगे अभी तो ये बस लेके जाना पड़ेगा तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि बस में नहीं जाएंगे कि बस थोड़ा टाइम लगेगा फुल होने के लिए तो हम लोग ने सोचा कि अभी वॉक करके जाएंगे यहाँ से 800 मीटर है तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगेगा पैदल चलकर जाने में और थोड़ा अच्छा भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो गांव है काफ़ी सुंदर है तो आई थिंक इट्स द बेस्ट वे बिकॉज वी हैव विलेज ऑल्सो नियर बाई वी कैन हैव अ लुक राइट रादर बीइंग इन द बस काफ़ी सुंदर कब्रिस्तान है ये तो आज मैं बाकू का और अजरबैजान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर लिया मेट्रो के बाद बस हम लोग तीन बस चेंज करके बल दो बस चेंज करके आ गए यहाँ पे और एक मेट्रो हवा काफ़ी चल रहा है धूप की वजह से ठंडा कम लग रहा है आई डोंट नो 15 या 16 डिग्री टेम्परेचर है बट धूप की वजह से अच्छा फील हो रहा है हवा पर काफ़ी है तो पता नहीं आवाज़ कैसा आ रहा होगा एक बार मैं वीडियो देखूँगा तो समझ में आ जाएगा बट अच्छा लग रहा है ये कंट्री साइड है एकदम आउटस्कर्ट्स है और बाय द वे ये पाइप के बारे में बताता हूँ तो ये पाइप जो है ये गैस पाइप है और जैसा कि आपको पता है अगर नहीं भी पता है तो बाकू काफ़ी ज़्यादा इनका नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ऑयल एंड गैस है मोस्टली गैस तो इस धरती में गैस बहुत ही मिलता है मतलब रशिया से तो कम है बट गैस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो गैस रिलेटेड ही है क्योंकि ज़्यादा गैस होने के कारण यानदाग में कंटिन्यूसली आग जलते रहता है वो आग जो है कभी बुझता ही नहीं है यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा पहुँच जाता हूँ वहाँ पर फिर बताऊँगा तो टोटल मैंने मेट्रो पहला बस और दूसरा बस मिला के यहाँ तक 22 से 23 किलोमीटर होता है तो उसका मैंने 80 रुपये पे किया होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो काफ़ी सस्ता है अगर आप बोल्ट वगैरह लेके आते हो यहाँ पे जो यहाँ का लोकल टैक्सी ऐप है तो उसमें कम से कम भी 1000 रुपये तक तो लग जाएगा तो 20 से 25 मन्नत लग जाता है तो उस हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना सही है मेरे से बैकपैकर्स के लिए सस्ता ही पड़ता और अलग तरीके से मैं शहर को घूम सकता हूँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने का एक अच्छा वो रहता है कि यहाँ का जो लोकल लाइफस्टाइल है वो आप जान सकते हो देख सकते हो कि कैसे यहाँ के लोकल लोग ट्रैवल करते हैं लंबे डिस्टेंस तो कुछ उस तरह का एक्सपीरियंस आज यहाँ पे हाउ मच नाइन मन्नत साबुन खुला गया Thank you, Saul. So I can't. I mean, thank you, Saul. So, मैं पहुंच गया हूँ. Always rain, snow, and 14th century years ago, fire. Hello. Hello. Your name? Zainab. Zainab. Okay. Thank you. Are you from? India. 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 It's a big, very, very sweet country. तो ये जो आग दिख रहा है काफ़ी गर्म है ये अभी बहुत बहुत गर्मी लग रहा है और ये जो पहाड़ में आग है ये नेचुरल गैस के वजह से ये आग जल रहा है और ये बारिश हो धूप हो स्नोफॉल हो कुछ भी हो ये आग कभी बुझता नहीं है तो ये जो पहाड़ है ये एप्सेरॉन पेनिनसुला में आता है और ये कैस्पियन सी के बहुत ही करीब है और बाकू में है ये और इसका यही कारण है कि इस जगह पे बहुत गैस है तो ये गैस की वजह से यहाँ पे नेचुरली आग चलते रहता है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए क्योंकि मैंने इस तरह कुछ कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में कि भाई ज़मीन से आग मतलब ऑफ कोर्स ज़मीन से वॉल्केनो तो निकलता ही है वो अलग चीज़ है पर ये आग कुछ अलग सा है यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है यहाँ से ठंडा हवा आ रहा है और यहाँ से आग का गर्मी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है Time.
क्या नेचुरल फिनोमिना है कि यहाँ पे सिर्फ रात को ही आग आता है और दिन में नहीं आता है, और यहाँ पे दिन में तो ये सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा हवा। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बाकू में हो तो ये जगह एकदम मिस नहीं करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आपने कभी इस तरह कुछ देखा नहीं है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि ये सब जगह होता है। आई थिंक टर्की में कहीं पे तो है जो मुझे सतह बता रही थी, बट सब जगह नहीं है। जिस कंट्री में नेचुरल गैस है उस कंट्री में ही बहुत मुश्किल से आपको ये दिखता है। बट तो यहाँ पे ये भी कहना है कि जितने भी साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन यहाँ पे आते हैं तो कॉइन जो है वहाँ फेंकते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन, बहुत सारे कॉइन्स वहाँ पड़े हुए हैं। माना जाता है कि अगर आपके दिल में कुछ विश है या पता नहीं, अगर आप किसी धर्म रिलीजन को मानते हो या कुछ भी, आपको किसी को भी प्रे करना है, किसी के बारे में प्रे करना है, तो आप फेंक सकते हो। तो मेरे भी लाइफ में थोड़े बहुत विश है जो मैं मांगना चाहता हूँ, और मेरे पास एक 10 का सिक्का है यहाँ पे अजरबैजान का, तो मैं ये फेंकने वाला हूँ यहाँ पे। एंड देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो काफ़ी सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे कॉइन्स हैं, तो मैं भी ये कॉइन फेंकने वाला हूँ विश करके। तो गया मेरा कॉइन। तो मैंने क्या विश मांगा है मैं नहीं बताऊंगा, बट कुछ तो मांगा है। एंड थैंक यू फॉर द, यू आर वेलकम, दिस इज माय बिजनेस, दैट्स हर होम टाउन एज वेल। एंड उसके लिए ये दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर मी, इट्स सुपर इंटरेस्टिंग। एंड आई नो दो यू हैव बीन टू दिस प्लेस in the past in your country, mm-hmm. and you decided to come with me, I really want to thank you. So Come take a picture. तो अभी लेने वाले हैं, अगर फोटो देखना होगा तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। And what's your Instagram? Dunyana Netrafunda. I'm sure आपको समझ में नहीं आया होगा। I'll put the the handle on my video so that, and also her YouTube channel, she is blogging. जो है वो उस तरफ है। अगर आवाज नहीं आ रहा है तो सॉरी, क्योंकि बहुत हवा चल रहा है, बहुत ज्यादा हवा चल रहा है। आई थिंक 50-60 किलोमीटर का स्पीड होगा हवा का, आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है कि उड़ जाऊंगा मैं अभी यहां से। ओह माय गॉड, बहुत हवा चल रहा है। वुहू! तो अभी मैं यहाँ पे अपना एनर्जी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे कैमरा है और कैमरा से मेरे शरीर में आग लगने वाला है, अगर आप देख सकते हो। अभी देखो, बच्चा बनने में कभी कभी अच्छा लगता है, तो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे कैमरा है, कैमरा से आपके बॉडी का कुछ तो एनर्जी लेके यहाँ पे ये फायर एनिमेशन में चेंज हो जाता है और काफी अच्छा लगता है। तो 1.5 घंटा मेहनत के बाद बस में मुश्किल से यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो कुछ इस तरह का रास्ता है फायर टाइम, एक्चुअली हम लोगों ने शॉर्टकट लिया हुआ है तो यहाँ से। तो 1.5 घंटा लग गया हमें यानदाग से यहाँ पहुँचने में, और ज़्यादा नहीं, एक मन्नत ही लगा है खर्चा, दो बस हमने चेंज किया है, बट काफ़ी लंबा हम लोग ने सफ़र तय करके आए हैं। तो अभी हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जाना कहाँ से है। पता नहीं किसके घर के अंदर से हम लोग जा रहे हैं, तो कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पे। आई थिंक, आई होप वी डोंट गेट इन टू समबडीज हाउस नाउ। आर यू किडिंग मी? कैन ट्राई कम, I am scared of dog bite. Dog. Dog inside. Come. Okay, dog is inside. Let's go. पता नहीं किसके घर के अंदर से जा रहा है। This is funny. कुत्ता, वहाँ पे एक कुत्ता था तो हम लोग
डर गए कि भाई अगर काटने वाला कुत्ता होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहुंच गया हूँ ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल के टिकट काउंटर के पास में, और ये टेम्पल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ज़ोरास्ट्रियन तो इनका तो एक धर्म है ही है, और यहाँ पे सिख और हिंदू का भी टेम्पल है और यहाँ पे उनको भी पूजा जाता है, जितने भी मतलब कुछ भगवान हैं यहाँ पे हिंदू के जो यहाँ पे इस मंदिर में है, ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल में है। तो ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल तो मैं मिस कर दिया था ईरान में, क्योंकि ईरान में मैं साइलेंट टावर में गया था ज़ोरास्ट्रियन का, तो मैं ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल नहीं जा पाया था अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे मौका मिला है ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल में आने का, और सबसे स्पेशल ये है कि यहाँ का ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल में जो फेमस है यहाँ का नेचुरल फायर के वजह से, आग के वजह से, तो यहाँ पे आग गैस के वजह से जो मंदिर का जो आग है वो जलते रहता है, वो कभी बुझता नहीं है, जो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक ये एक क्लौता ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल है अज़रबैजान बाकू में। तो और सिंस यहाँ पे हिंदू टेम्पल भी है और सिख टेम्पल भी है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो अभी मैं टिकट लेता हूँ, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये टेम्पल। तो टिकट मैंने ले लिया है, 4 मन्नत का है। थैंक यू। तो यहाँ पे मैंने टिकट ले लिया है, ये है टिकट 4 मन्नत का जो 200 रुपये के आसपास आता है। और अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, और जिस तरह का यहाँ का जो बनावट है और आर्किटेक्ट है मुझे ईरान लेकर चला गया, मुझे ईरान का याद दिला रहा है, और काफ़ी ईरानियन टच है। अब ज़ोरास्ट्रियन पहले ईरान से ही आए थे, तो ज़ोरास्ट्रियन का जो मेन वजूद है वो ईरान से है, तो बहुत ही ईरानी टच है। तो और यहाँ पे छोटे छोटे दरवाज़े हैं, और हर दरवाज़े के अंदर कुछ फैक्ट्स है, रिलीजियस फैक्ट्स है, और इन्हीं में से एक दरवाज़े के अंदर हिंदू भगवान है। और तो यहाँ पे ओम गणपते नमः का चैंटिंग चल रहा है, और यहाँ पे एक ऋषि मुनि है जो तपस्या कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का बनाया हुआ ये रूम, यहाँ पे वॉल में अगर आप देख सकते हो तो हिंदी में लिखा हुआ है, और ये एक छोटा सा दरवाजा है, और इसके अंदर गणेश भगवान है, उस तरफ वॉल में गणेश भगवान का मूर्ति है। तो ये था ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल, और थोड़ा बहुत मैं ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल के बारे में बताना चाहूँगा। आई थिंक मैंने ईरान में भी बताया था, तो ज़ोरास्ट्रियन एक रिलीजन और एक एथनिसिटी ग्रुप था। 7th century में जब ये लोग ईरान में रहते थे उस समय अरब का हमला हो गया था इनके ऊपर, वॉर हो गया था, और उन लोग इनको मानते नहीं थे, और इनको मतलब इनको इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो उस समय इनको भागना पड़ा, काफ़ी ज़ोरास्ट्रियन की मौत हो गई। एंड अभी फ़िलहाल जो ज़ोरास्ट्रियन का पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, 1,00,000 लोग भी नहीं होंगे पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा ज़ोरास्ट्रियन पाया जाता तो वो इंडिया में पाया जाता है, मुंबई के आसपास, उसको इंडियन ज़ोरास्ट्रियन भी बोलते हैं। और इंडिया के अलावा पाकिस्तान में, ईरान में थोड़ा बहुत है, एंड वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो US, कनाडा, UK में भी ज़ोरास्ट्रियन पाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा बॉम्बे में पाया जाता है इंडिया में। तो अभी तो ज़ोरास्ट्रियन को मान्यता है नहीं, ना कोई मानता है ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन और एथनिसिटी। तो काफ़ी दुख लगता है कि इनके रिलीजन, इनके धर्म, इनके मान्यता, इनके सोच, इन लोगों को अपनाया नहीं गया। काफ़ी बुरा लगता है जब इनके बारे में मैं कभी भी पढ़ता हूँ या सुनता हूँ। तो अगर आपने मेरा ईरान का व्लॉग देखा होगा, अर्दकान का, मेहबूत का, याज में, तो अभी भी अर्दकान और मेहबूत के बीच में एक छोटा सा शहर है जहाँ पे अभी भी ज़ोरास्ट्रियंस रहते हैं। तो मैं हमीद के साथ गया था, अगर आपने वो व्लॉग देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। तो उस टाइम पर मैं ज़ोरास्ट्रियन विलेज में गया था जहाँ पे ज़ोरास्ट्रियन रहते हैं, ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल भी था वहाँ पे, पर मैं वो विज़िट नहीं कर पाया था। इनफैक्ट याज में भी मैं विज़िट नहीं कर पाया था, बट आई थिंक बहुत कम जगह वर्ल्ड में है जहाँ पे आपको ज़ोरास्ट्रियन टेम्पल मिलेगा। इंडिया हो गया, ईरान हो गया, अभी ये अज़रबैजान में भी है, तो कुछ इस तरह। सो हाउ डू यू लाइक इट? यस,
It was very good. You enjoyed? Yes. Thank you for the bring me. Yeah, here. Even I want. So I never want to miss any Zoroastrian temples in the world. I miss in Yazd in Iran, but today I fortunately managed, you know, coming here with you, and I'm very happy. And finally, I see a smile on your face, and you look happy too. So अब मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ. इसको आतिशका Zoroastrian temple, they say, right? आतिशगा का मतलब होता है फायर टेम्पल. सो इट्स मीन्स टेम्पल ऑफ फायर. तो मैं अब आतिशगा Zoroastrian टेम्पल में इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, एंड आई होप कि आपको आज फायर देख के काफी मजा आया. Morning fire, evening fire. So we are just exploring fire today. Okay, so it was fun. मज़ा आया काफ़ी explore करके सदफ के साथ. I hope आपको ये vlog अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो make sure to like, comment, share and subscribe. मिलते हैं अगले vlog पे. Please. मिलते हैं अगले vlog पे. तब तक के लिए love yourself and keep hopping. Bye from Baku.